दोस्तों वेलकम है, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरफराज भाई में। आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं टीवीएस एंटॉर्क 125 रेस एडिशन 2022 मॉडल्स। दोस्तों काफी अच्छा इसमें फीचर दिया गया है और 2022 में आप यदि इस स्कूटी को लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है, वीडियो को स्किप ना करें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस स्कूटी को आप फ्रंट लुक से देख रहे हैं और आपको फ्रंट में 180/12 का आपको फ्रंट में ट्यूबलेस टायर मिल जाता है टीवीएस ब्रांड का, और इस स्कूटी में आपको फ्रंट में डिस्क का फीचर से देखने को मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स आपको इस स्कूटी में डीआरएल लाइट भी देखने को मिल जाता है। ये रहा फ्रेंड्स इसका डीआरएल लाइट, और यहाँ पे आपको एलईडी लाइट का, फुली एलईडी लाइट का आपको फीचर से देखने को मिल जाता है। और ये रहा फ्रेंड्स इसका पैनल जो कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे टीवीएस का 3D में लोगो देखने को मिल जाता है, नंबर प्लेट का यहाँ पे पत्ती आपको देखने को मिल जाता है। और ये रहा फ्रेंड्स इसका इंडिकेटर जो कि आपको हेलोजन में मिलता है, मैं आपको इंडिकेटर ऑन करके दिखा दूं। ये रहा फ्रेंड्स इसका राइट इंडिकेटर जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे आपको स्क्रीन मिल जाता है। और ये रहा फ्रेंड्स इसका लेफ्ट इंडिकेटर जो कि काफ़ी अच्छा। और ये रहा फ्रेंड्स इसका ब्रेक लीवर जो कि यहाँ पे आपको लॉक करने का भी मिल जाता है, अच्छा फीचर से है। और फ्रेंड्स ये रहा आपका मीटर कंसोल जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मीटर कंसोल डिजिटल मिलता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हॉर्सो का लोगो देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको मोड का बटन, यहाँ पे आपको सेट का बटन, यहाँ पे ट्रिप वन ट्रिप टू लो फील वार्निंग का यहाँ पे आपको फीचर से बताएगा, यहाँ पे आपको टाइम का फीचर से बताएगा, यहाँ पे आपको किलोमीटर का, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, काफी अच्छा फीचर्स दिया है दोस्तों इस स्कूटी में। यहाँ पे आपको लो बीम हाई बीम इंडिकेटर हॉर्न, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको फोर इंडिकेटर का भी फीचर्स, और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फोर इंडिकेटर का फीचर्स देखने को मिल जाता है। मैंने इसको ऑन कर दिया है जो कि आप देख सकते हैं फोर इंडिकेटर का व्यू कुछ इस प्रकार से आ रहा है जो कि आप देख सकते हैं। और ये रहा फ्रेंड्स इसका एग्जॉस्ट साउंड जो कि आप देख सकते हैं, इस स्कूटी का एग्जॉस्ट साउंड मैंने स्टार्ट किया है बड़ी मुश्किल से क्योंकि इसमें पेट्रोल नहीं था। अब मैं फ्रेंड्स इसको बंद कर देता हूँ और अगले फीचर की तरफ बात करता हूँ। आपने इस बाइक का साउंड भी सुन लिया है, एग्जॉस्ट साउंड जो कि काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 3D में एंटॉर्क 125 का लोगो देखने को मिल जाता है, साथ में आपको रेस एडिशन का मैंने बता दिया पहले, रेस एडिशन का भी आपको यहाँ पे स्टिकर में आपको लोगो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर ग्राफिक्स की बात की जाए तो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त इसका ग्राफिक्स है, ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन ही दिया है ग्राफिक्स में जो कि आप देख सकते हैं। और 125 का आपको यहाँ पे 3D स्टाइल में आपको यहाँ पे स्टिकर मिल जाता है 125 का, यानी 3D में आपको लोगो नहीं मिलता, बट यहाँ पे आपको 3D में 3D स्टाइल में आपको यहाँ पे स्टिकर मिल जाता है। और फ्रेंड्स इस स्कूटी में आपको और भी कलर देखने को मिल जाता है, यानी और एक यहाँ पे आपको देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे आपको एक बैगनी कलर देखने को मिल जाता है, और ये रहा फ्रेंड्स इसका रेड कलर जो कि आप देख सकते हैं, एक पर्पल कलर मैंने दिखाया और एक ये रहा फ्रेंड्स इसका रेड कलर जो कि ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में है। और फ्रंट की ये रियर की अगर लुक की बात की जाए तो रियर में आपको सिंगल सीट मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं, और ग्रेव हैंडल आपको यहाँ पे इस राइड में मिलता है एक ही साथ है दोस्तों, ये बिल्कुल अलग अलग कंफर्टेबल पकड़ने में लगता है। फ्यूल का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और ये रहा फ्रेंड्स इसका रियर लुक, मैं चाबी ऑन करके मैं आपको दिखा दूं, रियर में भी आपको टीवीएस एंटॉर्क 125 में भी एलईडी का फीचर से दिया गया है। और साथ ही फ्रेंड्स आप इसका इंडिकेटर भी देख सकते हैं, रियर का इंडिकेटर काफी अच्छा लग रहा है हेलोजन में ही, और यहाँ पे आपको डीआरएल के साथ फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कंपनी एलईडी लाइट प्रोवाइड करती है जो कि काफी खूबसूरत लगता है जो कि आप देख सकते हैं 125 सीसी के सेगमेंट की स्कूटी में जबरदस्त फीचर दिया गया है। और ये रेफरेंस इसका रियर, यहाँ पर एग्जॉस्ट सिंगल मिल जाता है, और इस स्कूटी में आपको किक का स्टार्ट भी मिल जाता है और सेल्फ का भी स्टार्ट मिल जाता है। और फ्रेंड्स आपको रियर में टायर मिल जाता है 110 का, 80/12 का आपको रियर में टीवीएस ब्रांड का आपको टायर मिल जाता है, यानी 110/80/12 का आपको रियर में ट्यूबलेस टायर मिल जाता है दोस्तों टीवीएस ब्रांड का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके ऑन रोड शोरूम प्राइस के बारे में, तो अनन्या टीवीएस गोड्डा रोड रामगढ़ दुमका झारखंड में इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस पड़ेगा दोस्तों, ये बिल्कुल न्यू शोरूम है मैं ये भी आपको बता दूं, इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस पड़ेगा दोस्तों 1,05,000 इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है। और यदि आप फाइनेंस में लेना चाहेंगे तो आपको फाइनेंस के लिए स्पेशल आपको वीडियो मिल जाएगा फाइनेंस से रिलेटेड, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आपको बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोज मिलती रहती है। और फ्रेंड्स ये बिल्कुल न्यू शोरूम है जो कि आप देख सकते हैं अभी इसमें काम चल रहा है और अभी इसमें काम बाकी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।